हुकूमत नहीं मान रही तो रक्षा यूनियन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज फिर एहतजाज। बाबू साबो इंटरचेंज पर सड़कों को ब्लॉक करके मुजाहरा किया। नारेबाजी, मुजाहरीन ने एहतजाज एंड रक्षा भी नजरे आतिश किया। मुजाहरीन की कीमतें कम ना करने की सूरत में मुल्की एहतजाज की धमकी। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ चूंकि अमर सद्धू में एहतजाज। मुजाहरीन का गुस्ताखी के मुर्तकब ममालिक के बायकॉट का मुतालबा। नामूस रसालत के लिए सब कुछ कुर्बान है मुजाहरीन। आशियाना इकबाल स्कैंडल, मुलजिम फवाद हसन फवाद की फिर एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुलजिम को इस्लामाबाद ले जाने के लिए दो रोजा राहदारी रिमांड की इजाजत दे दी। पीटीआई के खिलाड़ी भी कप्तान के नक्शे कदम पर। सुबह वजीर बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बेहतरी की ठान ली। नाहल और करप्ट अफसर की सिफारिश नहीं होगी, दो माह में वासे तब्दीली लाएंगे। अलीम खान के इजलास में अफसरान से गुफ्तगु। सेक्रेटरी बल्दियात ने ब्रीफिंग दी। LWMC समेत दीगर इदारों में भी जरूरी तब्दीलियों का फैसला। आम इंतखाबात के बाद अब ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 37 नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के दो हलकों NA-124 और NA-131 जबकि PP-164 और PP-165 पर मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। 28 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। फहरिस्त 31 अगस्त को अवेसा की जाएगी। NA-124 से लीगी रहनुमा सुहेल शौकत भट्ट के नुमाइंदे ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन में फराइज की अदायगी, रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ भी उठा लिया। मुस्लिम लीग नून ने जिमनी इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करने की तैयारी कर ली। हमजा शहबाज कहते हैं जिमनी इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके का बदला लेंगे। मुस्लिम लीग नून आज भी मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। लीगी रहनुमा की मॉडल टाउन में मुख्तलिफ इजलास से आए पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगु। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान के ख्वाब को अमली ताबीर देने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मियानी साहब कब्रस्तान की अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। मियानी साहब कब्रस्तान की चार दीवारी मुकम्मल, 1000 सायादार दरख्त लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर विक ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। समाप्त कल तक मुलतवी। अदालत कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। एक तो महंगाई ने मत मार दी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन भी मकरूज। शहर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स वैरान होने लगे। दालें, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया तो मिलती नहीं, जो मिलती हैं वो बाजार से भी महंगी है। आवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। शहर में लोड शेडिंग ना रुक सकी। ग्रीन कॉलोनी में रात 11 बजे से बिजली बंद। शहरी बिलबिला उठे। लेस्को के खिलाफ एहतजाज। कैंट कचहरी में सुबह 7 बजे से बिजली बंद। अदालती अमले को मुश्किलात का सामना। अंदरून शहर में रहायशी इलाके अलग, कमर्शियल अलग। वॉल सिटी के प्लान को LDA के मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला किया गया है। प्लान की मंजूरी के लिए वॉल सिटी का LDA को मरासला। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जुदाई खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की के बयान पर उसे शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। लड़की के घर वालों ने मोहम्मद अली पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। जिला इंतजामिया शहर को स्मोक के घेरे में आने से पहले ही इकदाम करेगी। कटाई के बाद फसलें जलाने, भट्टे बंद रखने और धुआं देने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कमिश्नर डॉक्टर मुज्तबा पराशा की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले।
लाहौर कैलेंडर राइजिंग स्टार टैलेंट हंट प्रोग्राम कजाफी स्टेडियम में मेला सज गया। ट्रायल्स के लिए बासलाहियत नौजवानों की धड़ाधड़ अमल। बच्चे हो जाएं होशियार, चिड़ियाघर से आई हैं अच्छी खबरें। ऑफ्टियर ने दिया है बच्चे को जन्म, जू में हिरन की तादाद 20 हो गई। शेखुपुरा से पकड़ा गया 16 फीट लंबा अस्तहा भी जू फैमिली का हिस्सा बन गया।